आज के इस लेक्चर में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि उर्दू अदब के अंदर दबिस्तान किसे कहते हैं। दबिस्तान अंग्रेजी में स्कूल ऑफ थॉट्स को कहते हैं। जब किसी अदब में, ख्वाबो अंग्रेजी अदब हो या उर्दू अदब हो या कोई और अदब हो, उसके अंदर रुझानात की पैरवी की जाए, उसको कहते हैं दबिस्तान या स्कूल ऑफ थॉट्स। अब रुझानात की पैरवी का क्या मतलब है कि किसी अदब के अंदर शोरा या उद्वा लिटरेचर के जरिए मुख्तलिफ रुझानात की अक्कासी करते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात की अक्कासी करते हैं, उसको कहते हैं रुझानात की पैरवी करना। और जब ये मुख्तलिफ रुझानात की पैरवी किसी अदब के अंदर आ जाए, उसको दबिस्तान कहते हैं। हम जिन बातों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मंदरज झेल बातें हैं। दबिस्तान किसे कहते हैं, दबिस्तान होता क्या है, 19वीं सदी और दबिस्तान, यानी 19वीं सदी में उर्दू अदब के अंदर कौन कौन से रुझानात की पैरवी शुरू हुई, दबिस्तान ने दिल्ली व लखनऊ जो अहम दबिस्तान हैं उनमें क्या फ़र्क है, दहलवी और लखनवी शोरा कौन कौन से थे, और फिर ये जो मेन या अहम दबिस्तान हैं दिल्ली व लखनऊ दबिस्तान के नाम से, इनकी फ़नी व फिक्री खसूसियात क्या हैं। दबिस्तान जब एक इलाके के शोरा की अक्सरियत, यानी जितने शोरा उस इलाके में पाए जाते हैं किसी खास इलाके में, जैसे दिल्ली का इलाका था, वहाँ के जो शोरा हैं और उनकी अक्सरियत किसी सोच से मुतासिर है, किसी बैरूनी मुहर्रिक की वजह से मुतासिर है, किसी समाजी अकदार से मुतासिर है, और वो एक ही तर्ज व फिक्र पर शायरी लिखते हैं, उसको कहते हैं दबिस्तान। मिसाल के तौर पर अगर हम दहलवी दबिस्तान की बात करें तो दिल्ली के हालात पुराशोक थे, वहाँ जंग का समा था, तो उस जंग के समा का असर तमाम शोरा के ऊपर था, तो मेजॉरिटी के जो शोरा थे वो गमगीन शायरी लिखते थे, क्योंकि वो उन्होंने उस गम से असर लिया हुआ था, उन हालात से असर लिया हुआ था और उन समाजी अकदार से असर लिया हुआ था, तो उनकी जो शायरी थी वो एक ही तर्ज की शायरी होती थी, यानी वो गमगीन शायरी लिखते थे, तो उसको कहते हैं कि वो एक ही तर्ज व अंदाज की शायरी लिखते थे और वो समाजी अकदार से मुतासिर हुए थे। तो जब एक इलाके के शोरा की अक्सरियत एक मखसूस इलाके और ज़माने की तर्ज बूदोबाश और समाजी अकदार से मुतासिर हो और अदब में एक ही तर्ज फिक्र व अंदाज अपनाते हैं, तो उसे दबिस्तान कहते हैं। जब हम 19वीं सदी और दबिस्तान की बात करते हैं, तो 19वीं सदी के अंदर उर्दू ने इतनी तरक्की की थी कि उसके अंदर रुझानात की पैरवी शुरू हुई थी। मिसाल के तौर पर जब एक अदब जमाने में कदम रखता है, एक अदब का आगाज होता है, पहले उर्दू जुबान बनी, उसके बाद जब इसके अंदर अदब का रंग आया तो शायरी से इसका इब्तिदा हुआ, तो शायराना मौजूआत थे वो कमोबेश एक तर्ज के होते थे। क्लासिकी शोरा ने लिखा, क्लासिकियत के ऊपर लिखा, उनके अंदर रोमांस का जो पहलू है वो ज़्यादा होता था, लेकिन जब मुख्तलिफ इकदार और मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ रुझानात इस अदब का हिस्सा बने, तो फिर हमने कहा कि अब मुख्तलिफ दबिस्तान उर्दू अदब का हिस्सा बने हैं। तो इसका आगाज 19वीं सदी में होता है, खुसूसन जब दहलवी और लखनवी शोरा को वाजे तौर पर पहचाना गया और ये देखा गया कि दहली के शोरा जो हैं वो गमगीन शायरी लिखते हैं और लखनऊ के जो शोरा हैं वो ऐशो निशात से भरपूर शायरी लिखते हैं, तो फिर 19वीं सदी के अंदर ये ट्रेस किया गया कि उर्दू अदब के अंदर दो अहम रुझानात का वजूद पाया जाता है, एक को हम कहते हैं दहलवी दबिस्तान और एक को लखनवी दबिस्तान कहते हैं। मिसाल देखें, जैसे दहलवी शोरा थे वो फिक्री हवाले से गम पसंद थे, गमगीन शायरी लिखते थे, जैसे अश्क आंखों में कब नहीं आते, लहू आता है जब नहीं आते, मीर तकी मीर का शेर है क्योंकि वो दहलवी शायर थे, तो ये भी एक गमगीन शेर है।
इसी तरह लखनवी जो शोरा हैं वो एश और निशाद से भरपूर शायरी लिखते थे। उनके रुझान में गम का जो अंसुर है वो कम है, बजाय इसके वो एशो निशात वाली शायरी लिखते हैं। जैसे हैदर अली आतिश का ये शेर देखें, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। दबिस्ताने दिल्ली व लखनऊ की फनी व फिक्री खसूसियात की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर दिल्ली व लखनवी दबिस्तानों को अलग अलग करके देखा जाता है। दिल्ली या दिल्ली के शोरा की खसूसियात देखें या दिल्ली दबिस्तान की खसूसियात कहें तो उनके अंदर सादगी पाई जाती थी, उनके अशार सादा होते थे। यहाँ सादगी का मतलब है कि वो हर किस्म के तकल्लुफात से बालातर थे, वो काफियाबंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लफ्जी लफ्जबंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लफ्जी बाजीगरी का नहीं सोचते थे, बल्कि जो ख्याल आता था ओरिजिनली उसको शेर की शक्ल देते थे। और उनके यहाँ बेसाख्तगी पाई जाती थी, वो बेसाख्ता होकर बेधड़क शेर कह देते थे और उनके अशार के अंदर दर्द व गम का रुझान होता था। दूसरी तरफ जब लखनवी शोरा की बात करें तो उनकी जो शायरी थी गमगीन नहीं होती थी बल्कि एशो निशाद से भरपूर होती थी, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया कि दिल्ली के अंदर हालात ऐसे थे, पुराशोब थे, तो उनके वहाँ उन हालात के असर की वजह से मेजॉरिटी जो शोरा थे उन्होंने गम को मौजूए शेर बनाया। लेकिन उसके बरक्स लखनवी शोरा एशो निशात वाली शायरी लिखते थे क्योंकि लखनऊ में वो हालात ज़्यादा मुतासिर नहीं कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ के जो शोरा हैं वो बजाय मानवियत के लफ्जी बाजीगरी पर तवज्जो देते थे, वो लफाजी करते थे, काफियाबंदी वो अच्छी बनाते थे और उनके अशार नसाइयत के अशार होते थे। वो औरत जात पे अशार लिखते थे, वो जुल्फों पे लिखते थे, आंखों पे लिखते थे, उनके अंदर निसाइयत ज़्यादा पाई जाती थी। अब शोरा की बात करें कि दिल्ली शोरा कौन से थे या दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता शोरा कौन से थे, तो दिल्ली के शोरा मीर तकी मीर, गालिब और मीर दर्द जैसे शोरा थे और लखनवी शोरा गुलाम हमदानी, मसफ़ी, हैदर अली आतिश और कलंदर बख्श, जुरत जैसे शोरा पाए जाते हैं।